अगली खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए चलेंगे अगली खबर की तरफ। तो बता दें आपको भोपाल से एक खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का आज दमोह दौरा है, चुनाव व्यवस्था संचालन समिति की बैठक में भाग लेंगे वीडी शर्मा, युवा हिंदी वाहिनी सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, लक्ष्मण कुटी में सेक्टर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो अलग अलग कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के दमोह दौरे पर वो होंगे। दमोह में उपचुनाव है और चुनाव व्यवस्था संचालन समिति की बैठक होगी जिसमें वीडी शर्मा पार्टिसिपेट करेंगे, युवा हिंदू वाहिनी सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे, लक्ष्मण कुटी में सेक्टर सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। वैभव गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, इस खबर पर भी हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। वैभव, वीडी शर्मा साहब आज दमोह जाएंगे जहां उनके तमाम कार्यक्रम हैं और चुनावी लिहाज से खासतौर पर दमोह उपचुनाव की जब बात हो रही है और इसे लिटमस टेस्ट के तौर पर भी 2023 के देखा जा रहा है आने वाले चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, तो जाहिर है दमखम तो लगाएगी बीजेपी, लेकिन वीडी शर्मा साहब के आज दौरे हैं यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। जहाँ कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची तो जारी कर दी है लेकिन उस पर अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब तक केवल प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ही दमोह उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के पास दिग्गजों की कमी नहीं है लेकिन दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान से कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहे हैं। वहीं हम बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, सिंधिया कैंप के सभी जो मंत्री हैं वो लगातार दमोह में जा रहे हैं, दमोह के दौरे कर रहे हैं और दमोह की जनता से अपील कर रहे हैं कि अगर राहुल सिंह लोधी को मौका दिया जाता है तो दमोह में तेजी से विकास हो सकेगा। तो बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी आज दमोह जाने वाले हैं जहां पर वो कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी शामिल होंगे, विभिन्न सेक्टर्स जो प्रभारी होते हैं उनकी बैठक भी बीडी शर्मा लेंगे। क्योंकि दमोह, बीजेपी हमेशा चुनावी मूड में रहती है पाल जी, बेहद महत्वपूर्ण है। जो पार्टी हमेशा चुनावी मूड में रहे तो उसके लिए प्रत्येक चुनाव को जीतना बेहद अहम होता है और बीजेपी प्रत्येक चुनाव को बड़ा मानती है, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती। जब भी कहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है तो पूरे बीजेपी उस चुनाव को जीतने के लिए लग जाती है। जिस तरीके से हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे असम हो या अन्य जो दो राज्य हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, वहां पर बीजेपी पूरी शक्ति से लगी हुई है। मध्य प्रदेश के भी कई नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही कई कैबिनेट मंत्री इन राज्यों में जा रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दमोह में भी इस पर कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है क्योंकि दमोह का जो उपचुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उपचुनाव में भी यही मुद्दा आया था टिकाऊ और विकाऊ का, वहां भी हमने देखा कि जनता ने बीजेपी को साथ दिया और जिस तरह के कांग्रेस ने वादे किए थे, कांग्रेस ने सर्वे रिपोर्ट अपनी ओर से प्रकाशित की थी, बताई थी मीडिया को कि वो 15 से 18 सीटें जीतने जा रहे हैं, लेकिन जब चुनावी परिणाम आए तो उसने खुद कांग्रेस को भी चौंका दिया कि बीजेपी किस मेहनत से काम करती है और बीजेपी का संगठन किस तरीके से ग्रामीण स्तर पर, मैदानी स्तर पर मजबूत है। तो कुछ इसी तरह दमोह चुनाव में भी तैयारियां की जा रही हैं। जिस तरीके से जयंत मलैया की नाराजगी सामने आ रही थी लेकिन जब नामांकन दर्ज कराने के लिए राहुल सिंह लोधी पहुंचे तो उसके बाद जो सभा का आयोजन किया गया वहां पर खुद जयंत मलैया ने दमोह की जनता से अपील करते हुए कहा था कि मुझे आपने 28,000 से पिछले विधानसभा चुनाव में जिताया है तो मैं आपके पास अपील करने जा रहा आया हूं कि आपको जो जिताना है आपको मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ना है। तो आप बीजेपी में कह सकते हैं कि किस तरीके से जयंत मलैया खुद राहुल सिंह लोधी के लिए चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं और वहां की जनता से अपील भी कर रहे हैं। तो आज जब कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, सेक्टर प्रभारियों से बातचीत करेंगे तो बीडी शर्मा समीक्षा करेंगे, मॉनिटरिंग करने की कोशिश करेंगे, अंदर की बात को जानने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी स्तर पर क्या चल रहा है, दमोह की जनता क्या चाहती है, जम्मू की जनता की मांग क्या है। बिल्कुल, रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ती है और जिस तरह से उनका पूरा संगठन है वो किसी भी चुनाव में इस कदर लगता है, इस कदर से वो पूरा दमखम लगाता है और उसके रिजल्ट फिर देखिए, चाहे फिर किसी भी मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में जाइए, कांग्रेस चाहे आपने भी बताया कि बिकाऊ टिकाऊ बाहरी और पता नहीं किस किस तरह के मुद्दे उपचुनाव में देखे थे हमने, 28 सीटों के जब उपचुनाव थे, लेकिन अब देखते हैं आने वाले समय में इस पूरी तैयारी का नतीजा क्या निकलता है।